हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजस्थानी रेसिपीज रश्मीज व्लॉग यूट्यूब चैनल में। आज हम बना रहे हैं मोहन थाल, इजी रेसिपी और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। अगर आपका मोहन थाल परफेक्ट नहीं बनता है तो क्या कारण है, आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे और आज के बाद आपका मोहन थाल कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। तो चलिए मोहन थाल बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल हलवाई के जैसी बेसन चक्की टिप्स और ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले लेंगे 200 ग्राम बेसन का आटा। तो ये देख सकते हो आप, नॉर्मली बेसन का आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। इसमें मैंने 2 टीस्पून डाल दिया है घी। तो 2 टीस्पून भर के आपको घी डालना है और उतना ही आपको इसके अंदर दूध डाल देना है। दोनों को अच्छी तरह से पूरे बेसन के अंदर मिक्स करना है। इसे आपका बेसन थोड़ा नरम हो जाएगा और इसके अंदर बिल्कुल दाना दाना जैसा हो जाएगा। तो दानेदार बनाने की ये विधि है, इसे आप फॉलो करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल आपका बेसन जो है वो बिल्कुल दरदरा हो जाएगा, दानेदार हो जाएगा। तो अच्छे से 2 से 3 मिनट तक इसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आपको इसे छकनी से छानना है। मैंने लिया एक बड़ा परात और इसके अंदर छकनी इस तरह की सभी के घर में मिल जाती है, तो किसी भी छकनी से आप इसको इस तरह से छान लें जिसके अंदर थोड़े बड़े होल होने चाहिए। अपने आटे की चलनी से थोड़ी बड़ी चलनी होती है तो उसके अंदर आप को इस तरह से दानेदार बेसन मिलेगा। तो आप देख सकते हो एकदम से दानेदार बेसन रेडी हो गया है। तो इस तरह से आपको बेसन को पहले दानेदार बनाना है, उसके बाद आपको बेसन की बर्फी बनानी है। अब हम लेंगे लगभग 100 से 125 ग्राम घी और घी को डाल देंगे पैन के अंदर। तो आप 125 ग्राम भी यूज कर सकते हो और 100 ग्राम भी डाल सकते हो। 200 ग्राम बेसन के अंदर 100 ग्राम घी परफेक्ट होता है, पर अगर आपको थोड़ा ड्राई लगे तो आप 125 ग्राम कर सकते हो। अब इसके अंदर अपना दानेदार किया हुआ बेसन डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। सेकने की विधि को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। इसको आपको लगभग आधे घंटे तक इसी तरह से चलाते हुए सेकना है। तो सबसे पहले बेसन को मिक्स करें। यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया शायद घी, इसलिए आप देख सकते हो लिक्विड है। इससे थोड़ा कम घी हो तो भी आपकी बेसन की बर्फी अच्छी बनेगी, बिल्कुल सही बनेगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी ज़्यादा डाल दिया, पर अब मैं इसके अंदर सूखा बेसन भी नहीं डाल सकती। बेसन दानेदार जो बनाया हुआ था वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं बेसन को मैंने सेकते हुए, और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो बेसन का कलर कितना चेंज हो गया है। अब 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो, अब आप देखिए 15 मिनट के बाद बेसन का कलर। टोटली हमें इसको 30 मिनट तक सेकना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। तो लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं मुझे इसको सेकते हुए। अब मैं आपको बताऊंगी 30 मिनट पूरा हो जाने के बाद। तो देखिए पूरे 30 मिनट तक सेकने के बाद बेसन का कलर काफ़ी चेंज हो जाता है। दानेदार बेसन अच्छे से सीख चुका है, आप देख सकते हो इसका दाना दाना। अब हम इसके अंदर डालेंगे, जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो मैंने लिया है लगभग 50 ml दूध और इसको मैं 3 बार में डाल रही हूँ। थोड़ा सा दूध डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये दूध पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम बचा हुआ दूध थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल देंगे। तो पूरे 50 ml दूध को आपको 3 बार में डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है बेसन को दानेदार बनाने के लिए। इसे आपका जो दानेदार बेसन है बिल्कुल खुल करके आएगा। यहाँ पे आप दूध की जगह पानी का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसन का रेशा रेशा खोलने के लिए हलवाई लोग इसी तरह से कभी पानी का तो फिर कभी दूध का यूज करते हैं। तो सारा दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 1 मिनट तक हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे और इसके बाद कढ़ाई को हम साइड में रख देंगे और इसके अंदर जो हमने मावा तैयार किया हुआ है वो मिक्स करेंगे। तो ये है घर पे तैयार किया हुआ मावा। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 100 ग्राम मावा। 100 से 150 ग्राम आप मावा घर पे तैयार किया हुआ है तो डाल सकते हो, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बिना मावे के भी आपका मोहन थाल बिल्कुल बढ़िया बनेगा। जहाँ तक संभव हो उसके आप देसी घी का यूज करें, और अगर नहीं है तो आप वनस्पति घी से भी बना सकते हैं।
तो लीजिए, मैंने मावे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है बेसन के अंदर, और अभी हमारा बेसन गरम है तो हमें गरम बेसन के अंदर ही चाशनी डालनी है। तो इसी तरह से आपको देखिए गरम रखना है और तुरंत चाशनी टिका देनी है गैस के ऊपर। तो मैंने एक पैन के अंदर डाल दिया है 200 ग्राम ही शुगर, और इसके अंदर पानी डाल देंगे 100 से 125 ml, जितने में शुगर डूब जाए। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने पानी में आपकी शुगर डूब जाती है बस आपको उतना ही पानी डालना है। शुगर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और फिर उसके अंदर बॉयल आने देंगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे। 5 मिनट हो गए, देखिए मैंने इसको बॉयल करते हुए, अब हम इसकी चाशनी चेक कर लेंगे। मैंने हाई फ्लेम पे बॉयल किया तो 5 से 6 मिनट लगते हैं, और अगर आप स्लो फ्लेम पे बॉयल करेंगे तो इसमें 8 मिनट लग सकते हैं चाशनी प्रिपेयर होने में। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर इलायची पाउडर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पे कलर भी डाल सकते हो, ऑरेंज जो फूड कलर होता है वो भी। और इस तरफ हमारा बेसन अच्छे से तैयार है और ये अभी बहुत गर्म है। चाशनी देखिए, ये है 2 तार की चाशनी, एक तार पूरा फुल लंबा आता है। 2 से 3 तार की चाशनी आप प्रिपेयर करें तब आपकी बर्फ़ी जो है तुरंत जमने के लिए तैयार हो जाएगी। 1 तार की चाशनी होगी तो आपकी बर्फ़ी अच्छे से नहीं जम सेट नहीं होगी। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जब भी आप मोहन थाल बनाएं तो आप चाशनी 2 से 3 तार की लें, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके और आप किसी भी कंटेनर में, ट्रे में आप इसको सेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने एक थोड़े बैटर को इस कंटेनर में सेट कर दिया है, बाकी बचा हुआ जो बैटर है उसके अंदर मैं वर्क लगाने वाली हूँ, तो मैं उसे ट्रे में फैला दूँगी। तो इस तरह से आप कंटेनर में भी जमा सकते हो, जो प्लेट होती है घर में उसमें भी आप बर्फ़ी को सेट कर सकते हो। इसको हम 2 घंटे तक रखने देंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे और इसके पीसेज में कट कर लेंगे। तो ये बर्फ़ी तो हमारी तैयार हो गई है, बाकी जो बची हुई बर्फ़ी थी, बैटर था, उसको भी मैंने ट्रे में जमने के लिए रख दिया है। तो इसके हम कटिंग कर लेंगे, और लीजिए हमारा मोहन थाल बेसन की बर्फ़ी तैयार है। जो बचा हुआ था मैंने उसको इस तरह से ट्रे में फैला दिया है। तो आप देख सकते हो कितना दानेदार बैटर है, एकदम से दानेदार बर्फ़ी बनकर के रेडी होगी और बिल्कुल हलवाई के जैसी। अब हम इसे भी 2 से 3 घंटे तक छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद मैंने इस पर लगा दिया थोड़ा वर्क, थोड़ा सा लुक इसका अच्छा हो जाए, तो इसलिए आप वर्क लगा सकते हो, वर्क को स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद आप इसकी कटिंग कर लें। मैंने इसको पहले कटिंग कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको वर्क से गार्निशिंग कर दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी मोहन थाल बनाने की विधि, और इंग्रेडिएंट्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। विधि मैंने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताई है कि कितने मिनट तक आपको सेकना है, कैसी आपको चाशनी रखनी है। मेन चीज़ होती है इसके अंदर चाशनी। चाशनी की प्रॉब्लम से लोगों की जो बर्फ़ी है कभी गीली रह जाती है, कभी टाइट हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। जब भी आप बर्फ़ी बनाएं 2 से 3 तार की चाशनी रखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।